हेलो गाइस सर, कैसे हो सभी लोग। एंड बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारी जा रही है रिगार्डिंग द फार्मेसी, डी फार्मेसी, एमएलटी, नर्सिंग एंड अदर कोर्सेस इन द दिपचार दिल्ली। यानी कि भैया बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर फार्मेसी के कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे हैं और उसमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एंड बेस्ट फार्मेसी के कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उसमें एडमिशन हम कैसे लें, और कैसे हम जल्दी से मेडिसिन बेचें और कैसे देश का भला करें। राइट, आपका भी ये क्वेश्चन होगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द दिपचार दिल्ली। व्हाट इज दिपचार, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा इसका फुल फॉर्म। सर जो है दिपचार पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज होता है इसके ऐसे कुछ फुल फॉर्म है। इसके अंदर जो है बेसिकली दो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब एक ये क्वेश्चन है कि भैया इसमें जो है एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि जो एडमिशन है वो कैसे होने वाला है। राइट, यानी कि ट्वेल्थ बेसिस पे होने वाला है या फिर कोई एंट्रेंस होने वाला। यार जो इतने साल जो होता था वो होता था टेस्ट CUET, राइट, CUET, लेकिन इस बार जो है दिपचार ने CUET में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, सो इसका जाहिर सी साफ मतलब ये निकलता है कि दिपचार में एडमिशन डायरेक्टली होंगे यानी कि ट्वेल्थ बेसिस पे होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि भैया ट्वेल्थ बेसिस पे कितना परसेंट लाना पड़ेगा कि हमारा दिपचार में एडमिशन हो जाए। राइट, एंड अगर हम SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम UP से, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमें कितना परसेंट लाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। राइट, एंड यार जस्ट अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन रेशियो की, सो ये जितने भी कॉलेजेज है स्पेशली जो ये डिमांडेड कोर्सेज है जैसे फार्मेसी है, नर्सिंग है और टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेजेज में कराए जाते हैं, इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। चाहे आप अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर लो, चाहे दिल्ली के कुछ टारगेट कर लो, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है क्योंकि सीटें नॉमिनल सीटें होती है एंड अप्लाई करने वाले बहुत सारे होते हैं। सो यार जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी जो है सीटें अच्छी अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर फार्मेसी की, एंड पंजाब के अंदर भी है, राजस्थान में भी है एंड गुजरात में भी है। एंड सो जस्ट आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं द फार्मेसी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर यू, देन जो है आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर जो है आई एम डीलिंग ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेज एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज। आप ये बिल्कुल ना समझे कि आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर 100% सीट अलॉट कराई जाती है हमारी टीम की तरफ से। अगर एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर विद द प्लेसमेंट टॉप 10 to 20 LPA के कॉलेज में अगर आपकी सीट अलॉट नहीं होती है, देन आपका एज पर पॉलिसी रिफंड कर दिया जाता है। एंड आई एम वर्किंग दिस फील्ड इन लास्ट 3 years। ओके, ये हो गया सिंपल। सो जस्ट आप जो है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम गारंटेड एडमिशन कराते हैं। ठीक है, दिस इज डिपेंड ऑन योर मार्क्स, लेकिन 99.99% बच्चों का हो जाता है इन द टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज। ठीक है, चलो अब आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिपचार की। तो भैया दिपचार के अंदर जो एडमिशन होने वाले हैं इस बार वो होने वाले हैं ट्वेल्थ बेसिस पे। ठीक है, अब ट्वेल्थ बेसिस पे भैया हमें कितना कट ऑफ लाना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाएं कि हमारा एडमिशन जो है हो जाएगा। राइट, सो यार दिस इज डिपेंड ऑन योर स्टेट। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो सीटें रिजर्व्ड है वो है 85%। अगर आप आउट ऑफ UT दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक जो भी राजस्थान है, गाजियाबाद है, UP है, मेरठ है, राइट, जम्मू है, तेलंगाना है, बिहार है, सो आपके लिए जो सीटें हैं वो है सिर्फ 15%। ओके, सो यानी कि आप ये मान के चलो कि जो कट ऑफ है वो दिल्ली के स्टूडेंट का और आउट ऑफ जो है दिल्ली के स्टूडेंट का थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। एंड जनरली अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कि भैया कितने पे एडमिशन हो जाएगा, सर जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें, ठीक है, SC ST का छोड़ दो, SC ST का कट ऑफ काफ़ी ठीक तक चला जाता है। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं, अगर आप SC ST में हैं, देन आपका एडमिशन हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि भैया कितने मार्क्स होने चाहिए। राइट, कितने मार्क्स पे हमारा हो जाएगा। सर जो बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड उनके अगर मार्क्स है आप मान के चलो 77, 78, 76 के करीब, तो जनरली हो जाता है। दिस इज डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे आ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे एप्लीकेशन आ गई तो देन हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है, ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से होता है। OBC कैटेगरी वाले जो है जनरल से तकरीबन 3 से 4 मार्क्स पीछे घटा सकते हैं,
एंड जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं आप टारगेट करके चलो, एटलीस्ट आपके 88 प्लस मार्क्स है देन आपके चांसेस है, ठीक है। गारंटी नहीं दे रहा, ये एक्सेप्टेड बता रहा हूँ मैं पिछले कुछ साल का रेशियो। और जो है आपको बहुत सारी वेबसाइट पर रेशियो मिल जाएगा, तो आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं डिपचार का जो भी सारा प्रोसेस है। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं डिपचार के, राइट, ये सभी का क्वेश्चन होगा बेसिकली। श्योर जो डिपचार के जो एप्लीकेशन फॉर्म है दिस इज अवेलेबल ऑन द डिपचार वेबसाइट सेकंड वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। क्योंकि जो आपके जो एडमिशन्स है क्लासें हैं वो ऑलमोस्ट जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड बता रहा हूँ मैं। क्योंकि दिस इज ये जस्ट इसका जेई वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पे, राइट। तो जितने भी बोर्ड है सबका अगर रिजल्ट आ जाए तो ये अपना स्टार्ट कर देगी प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि बीच में CUET एग्ज़ाम आ जाता है, बीच में नीट एग्ज़ाम आ जाता है, तो इसका वो भी आजकल नहीं है क्योंकि ये मतलब यार ये एक्सेप्टेड है कि ये 12th के बेसिस पे दे रहा है एडमिशन, ठीक है। एंड अभी तक इसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं दी गई है कि अपना कोई खुद का टेस्ट कंडक्ट कराएगा नहीं कराएगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इतने दिनों से अगर इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पे एडमिशन देगा, वरना एक्सेप्शनल केस ये भी हो जाता है कि ये JEE और NEET के बेसिस पे देने लगे, राइट। वरना इसका जो है GPAT भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो भी JET पैरामेडिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट, राइट। सो इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, आई विल टेल यू कौन कौन से कोर्सेज कराता है ये। बहुत आई थिंक 5-6 कोर्सेज हैं इसके पास अभी, तो जो है आप वो कर सकते हो, राइट। सो यार अगर आपको लगता है इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन 100% देन जो है आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जिसके अंदर आई फुली श्योर यू कि आपका 100% हम ट्राई करते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए इन द टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज, ठीक है। सो जस्ट और अगर अपन कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और स्पेशली जो एडमिशन के लिए है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसके अंदर आप ऐड हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके अंदर जो है अपडेट डाला जाता है रिगार्डिंग द कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म चल रहा है, किसके फॉर्म ख़त्म हो रहे हैं, किस में स्पोर्ट्स सीटें हैं, किस में मैनेजमेंट सीटें हैं, सारा का सारा सब कुछ बताया जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। और बस ठीक है, और खूब पढ़ते रहो एंड छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। धन्यवाद, थैंक यू। हेल्पलाइन नंबर भी नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉल कर सकते हो, कॉल ना करिए और व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।